सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी ट्रेनिंग की है, रेली मंडल में बहुत बड़ा जंक्शन बना गया ये ट्रेन है। अब देख रहे होंगे इनकी भी ट्रेन है, फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम ज्यादा आ गई थी इसलिए। हेलो गाइस, वेरी वेलकम माय सतीश सिंह ब्लॉग में। गाइस ये देखो हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं, कुछ युवती और बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी अपना इंजॉय लेने निकले हैं। युवती भागते हुए देख रहे होंगे आप, और इसको लोकोमोटिव बोलते हैं, तो कुछ हम जाकर पास से क्या दूर से ही दिखाते हैं आपको। ये आपके हर एक स्टेशन पे जाता होगा, यहाँ पर इसको मतलब तेल प्रोवाइड होता है, इसको तेल मिलता है यहाँ से डीजल। तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे डीजल मिलता है, ये कुछ बड़ा सा गया आगे ही थोड़ा रोजा जंक्शन है, और जंक्शन में ये देखिए इधर डीजल जनरेटर भी है। व्यू भी आप कितना खूबसूरत लग रहा होगा, यहाँ पे पहले एक मैदान था, वहाँ पर एक मैदान था वो अब नहीं रहा, ये रास्ता था सामने जो गाय दिख रही है आपको, और ये बड़ा सा फील्ड है कितना खूबसूरत। चलिए हम चलते हैं, इसमें दिखाते हैं आपको यहाँ का फील्ड थोड़ा नज़ारा, तो चलिए चलते हैं। गाइस ये वही फील्ड है, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग सक्सेस होके निकले हैं, इन्होंने अपनी यहाँ पर मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग में अपनी ट्रेनिंग की है, और उस ट्रेनिंग के बाद कोई तो मतलब फौजी के और पुलिस में मतलब कई और अच्छी ट्रेनिंग करके यहाँ से गए हैं, और ये वही फील्ड है हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आते थे। कुछ व्यू भी देख रहे होंगे आप, लगता है कि बहुत खूबसूरत है, और ये भाई भी देखो लगे हैं, और पड़े बगल से ये रोड भी निकला हुआ है, एक छोटा सा रोड है, एक बड़ा सा रोड भी गया है यहाँ से। तो चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं कि बगल से कितना बड़ा रोड है यहाँ से। इधर लोको पायलट विश्रामल है, जो भी मतलब लोको पायलट के लोग होते हैं यहाँ पे आराम करने आते हैं। पीछे इधर चलेंगे, इधर यहाँ तक, और ये बहुत बड़ा हाईवे है, हाईवे के बगल से ट्रेन जाते हुए दिख रही होंगे आप। तो ये बहुत बड़ा जंक्शन है, और यहाँ से फास्ट सुपर फास्ट रिजर्व मतलब हर तरीके की ट्रेन निकलती है, जो भी ना मिले वो यहाँ पे रुक कर जाएगी, सुपर फास्ट भी रुक के जाएगी, ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो यहाँ पे रुक के ना जाए। ये शाहजहाँपुर जो भी बरेली मंडल में बहुत बड़ा जंक्शन माना गया ये, तो इस तरीके से ये बगल से ही रास्ता गया है। चलिए हम आपको दिखाएंगे वहाँ पर जाते हुए, थोड़ा देखेंगे भी आप, और गिना जाए तो बहुत लंबा चौड़ा लंबे चौड़े बीच में है, और ये ऊपर से रोड वगैरह गया है, देखेंगे आप इस तरीके का। गाइस ये निकलने के छोटे सी पगडंडी है रास्ता निकलने के लिए, तो हम लोग इस तरीके से अभी जाएंगे जाते हैं और दिखाएंगे आपको। देखो ये ऊपर से मतलब पूरा ट्रक भरा निकलता है यहाँ से, ये हाईवे पुल है, और कुछ इस तरीके का व्यू देखो। अभी हम और एक दिखाते हैं आपको स्टेशन का, तो ये स्टेशन का व्यू है, देखो सामने से ट्रेनें आने के लिए तैयार हैं, और रोजा बरेली भी आने के लिए तैयार है कि निकल गई है। रोजा निकल गई है, हम लोग इधर वॉक टाइम में निकले थे मॉर्निंग में, तो चलो आपको भी दिखा दिया जाए यहाँ का नज़ारा। तो चलिए हो रहा है, देखते हैं आगे, कुछ देखो पैसेंजर वगैरह निकल आए हैं। भैया बिहार निकल गए, बिहार निकल गए हमें जाना था बरेली तक, तो क्या बताया है कि नहीं है। हेलो देखो इनकी भी एक ट्रेन है, अब देख रहे होंगे इनकी भी ट्रेन है, ये भी जाएंगी। अब ये कहाँ जाएंगे, टिकट कहाँ से लेंगे, ये भैया नहीं मालूम, क्या तो रिजर्वेशन बना के लाई हूँ। जाएंगे यार, भूल गए कि मेल है फीमेल है। गाइस हम इस जगह पे आए जहाँ पे क्रॉसिंग है, भैया बिहार निकल गए, बिहार अभी जा रहा है, आ जा जल्दी आ जा यार, बिहार के इंतजार में है, पता नहीं यार निकल तो नहीं गई है। अच्छा, तो गाइस देखो ये रोड कहाँ से कहाँ तक गई है। तो गाइस बस और दिखाते हैं आपको, चलिए आगे। हाँ पर रेलवे का नाम लगा है, वहाँ तक पानी पहुँचता है, इनके लिए शायद स्पेशल जाता होगा, और स्पेशल क्या जाता है यहाँ पर, इनको कुछ ही रुपये मिलता है भैया, बिस्लेरी 20 रुपये में, इनको 5 रुपये में पूरा दिन का पानी मिलता है इस तरीके के रास्ते में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा तो प्लीज़ बताइए, और बताने से पहले एक बार हम लोग देखो कितनी खुफिया जगह है, देख रहे होंगे आप। तो गाइस देखो कितनी जगह पे ऐसी जगह पे जाएंगे हम लोग, ये ऊंचा रास्ता गया है निकलने के लिए, और ये नीचा है, यहाँ से नीचे से रास्ता है। तो किस तरीके से देखो ये निकल रही है क्लासिक फटाफट, इधर जाए, चलो इधर जाते, गाइस ट्रेन खड़ी हो गई है चलने के लिए, हम लोग ये रास्ता है इधर से क्रॉसिंग पे निकलेंगे। तो गाइस आ रही है ना, अरे आ रही है, तो गाइस ये देखो हम लोग निकल रहे हैं क्रॉसिंग पे,
तो गाइस देख रहे होगे ये रोड कितना अच्छा है, लेकिन अभी कुछ देर में देखेंगे आप इस रोड की स्थिति क्या हो जाए। तो ऐसे देखते रहिए हमारे इस ब्लॉग को, और आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, क्योंकि हम गांव वालों का नज़ारा देखते देखते आज हम शहर में आ गए। शहर का जो बड़ा जंक्शन है, लोको पायलट जहाँ पर मतलब इंजन वगैरह बनते हैं, ये देख रहे हो कितना बड़ा मतलब लॉन्ग जगह में फैला हुआ है देख रहे हैं आप। और देखते देखते ये रोड था, यहाँ पर रोड नहीं रहा, यहाँ पर ट्रेन खड़ी हो रही है, ट्रेन चलती है इस पर, अभी ट्रेन चलने लगी है। और ये रहा फील्ड, अभी कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया, चलिए देखता दिखाते हैं और भी आगे थोड़ा। एक तरीके से बोर हो जाते होंगे आप एक जगह की वीडियो देख के। तो गाइस ये जो तेल है लोको इंजन में या लोकोमोटिव में जो तेल पड़ता है, वो तेल मतलब सारा सिस्टम है यहाँ पर देख रहे होंगे आप। और ये गाय अपना मतलब नाश्ता ब्रेकफास्ट करने के लिए निकली है, सुबह का टाइम है, हम लोग वॉक करने निकले हैं। तो इस तरीके का देखो यहाँ था, पहले यहाँ पे फील्ड था, मतलब आज से 4-5 साल पहले एक फील्ड था ना, वहाँ तक फील्ड था, वो देख रहे हैं आप लास्ट गेट है ना, वहाँ तक फील्ड था। तो यहाँ पर आने के लिए कुछ हमने कहा आप लोगों को दिखाया जाए, इसलिए हमें यहाँ पर आना पड़ा। और सुबह का नज़ारा जो देख रहे होंगे आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्या रह गया कमी हमें दिखाने में जो हमने नहीं दिखा पाया आपको। और हम गांव में तो हमेशा दिखाते हैं, हमने कहा चलो आज कुछ नया दिखाएं शहर में, मानते हैं कि आप होंगे लेकिन हाँ आप क्या पता ऐसे प्रॉपर जगह पे हों। यहाँ पर इंजन में एक तेल वगैरह पड़ता है, ध्यान रखना, ऐसे खड़े होना है पर यहाँ पर। ये हैंडल जो हटाते कटाते यहाँ से पड़ जाता है, पाइप डालने के बाद ये इसका गेट अंदर जो गाड़ी होती है एकदम इसकी मतलब सर्विस होके निकलती है। ये रेलवे कंज्यूमर डिपो है यहाँ पर, यातायात निरीक्षण वो देख रहे होंगे आप सामने। ऐसे कई चीज़ें हैं जो अभी दिखाने को भी रह गई हैं, और इनके आज आए थे, इनकी कुछ स्थिति नहीं सही थी तो इसलिए मैंने आया था उनको दिखाने के लिए। और दिखाने की बात कहें तो मतलब इनका बोलते हैं जो फेफड़ों में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई थी, इसलिए सोचा कि बरेली लेके जाएंगे या फिर कहीं लखनऊ जाना पड़े। तो यहाँ के डॉक्टरों ने बोला है कि ऐसा है कि इनको यहीं पर अभी हम थोड़ा इलाज करते हैं, देख लेना रिपोर्ट लगा के, उसके बाद देखते हैं। बाकी आज का आपको वीडियो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नई चीज़ लेके, नई चीज़ दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक लाइक ज़रूर कर दें, और एक चैनल पर एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।